दोस्तों देखते ही देखते एक और महीना खत्म हो गया और अब आ गए हम मई के महीने में 2018 का। और दोस्तों इस महीने में बहुत सारे एक्साइटिंग स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि इस महीने लॉन्च होने वाली है और आपको बताएंगे सारे डिटेल्स। तो इस वीडियो को आप जरूर आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि इस महीने कौन कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं और शायद बहुत सारे ऐसे भी स्मार्टफोन हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं इस महीने। दोस्तों इस महीने जो लॉन्च होने वाले हैं उसमें बहुत सारे फ्लेक्सिबल फोन भी शामिल है, साथ में आपको मिड रेंज फोन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहला जो फोन लॉन्च होने वाला है दोस्तों वो आ रहा है LG की तरफ से, LG G7 Think। दोस्तों LG की तरफ से आने वाला ये नेक्स्ट फ्लैगशिप मोबाइल है, लॉन्च होने वाला है दोस्तों ये 2 मई को न्यूयॉर्क में। इस फोन की खास बात करें तो इसमें आपको 6.1 इंच का क्वाड HD+ डिस्प्ले मिलेगा, डिस्प्ले में नॉच देखने को मिलेगा, डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट और भी बहुत खास खास फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। अगर प्राइसिंग सही रहती है दोस्तों इस फोन की तो ये फोन भी काफ़ी धमाल मचाने वाला है फ्लैगशिप फोन्स में। दोस्तों अगला जो फोन है वो है OnePlus 6 और दोस्तों ये मोस्ट अवेटेड फोन है इस साल का जिसका इंतजार आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दोस्तों इस फोन में आपको iPhone 10 जैसा डिस्प्ले में नॉच देखने को मिलेगा, ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी, वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट मिलेगा, 8GB तक की रैम मिल सकती है, 256GB तक की स्टोरेज मिलेगी, 3400mAh बैटरी मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नो डाउट दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फोन है और बहुत ज्यादा बिकने वाला है, फ्लैगशिप फोन को काफी कड़ी टक्कर देने वाला है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो बताई जा रही है दोस्तों वो 36999 बताई जा रही है। तीसरा जो फोन है दोस्तों वो आ रहा है नोकिया की तरफ से। नोकिया दोस्तों लॉन्च करने वाली है नोकिया X या X6 बोल सकते हैं, अभी नाम कंफर्म नहीं हुआ है कि नोकिया X लॉन्च होगा या फिर नोकिया X6 लॉन्च होगा। और ये फोन भी दोस्तों काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इसमें भी आपको डिस्प्ले में नॉच देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन की जो डिटेल निकल के आई है वहां पे ये कंफर्म हुआ है कि इस फोन में आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट मिलेगा, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और हीलियो P60 चिपसेट मिलेगा, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस दोस्तों 16,000 से 20,000 के बीच हो सकती है। अगर प्राइसिंग सही रहती है दोस्तों तो ये फोन काफी कड़ी टक्कर देगा मिड रेंज के फोन्स को और इसका लॉन्च डेट दोस्तों कंफर्म किया गया है कि 16 मई को ये फोन लॉन्च होने वाला है। दोस्तों चौथा जो फोन हमारे लिस्ट में है वो दोस्तों मोस्ट अवेटेड फोन है इंडिया का, इंडिया में बहुत सारे लोग इस फोन के लिए रुके हैं और वो फोन है दोस्तों शाओमी का MI A2। दोस्तों इस फोन का इंतजार मैं भी कर रहा हूं और आप में से भी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फोन का वेट कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि ये मई के एंड तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आपको तो इसके डिटेल्स पता ही होंगे और इसकी स्टार्टिंग जो प्राइस होने वाली है दोस्तों वो है 16,000 से 17,000 के बीच में। दोस्तों हमारे पांचवें नंबर पे जो फोन है दोस्तों वो भी आ रहा है शाओमी की तरफ से और ये है दोस्तों Redmi S2। दोस्तों इस फोन की भी बहुत सारे लीक्स निकल के आ गए हैं, कुछ लाइव इमेजेस भी इसके निकल के आए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये फोन इंडिया और चाइना में इसी महीने लॉन्च होने वाला है। इस फोन की अगर खास बात करें तो इस फोन में आपको 6 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 625 चिपसेट मिलेगा, 12+5 में आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा, 16MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है, उसके बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको एंड्रॉइड ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस फोन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल वीडियो बना के रखी है तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और इस फोन की जो प्राइस बताई जा रही है दोस्तों वो 10,000 से कम होने वाली है स्टार्टिंग प्राइस जो होगी। छठे नंबर पे दोस्तों जो फोन हमारे लिस्ट में है वो है Asus ZenFone 5। दोस्तों ये फोन बताया जा रहा है कि इसी महीने की एंड तक लॉन्च हो सकता है और ये फोन दोस्तों MWC में लॉन्च हुआ था, शोकेस किया गया था लेकिन अभी तक जो है इंडिया में नहीं आया था, ताइवान में इसको लॉन्च कर दिया गया है और ताइवान में जो दोस्तों प्राइस बताई जा रही है वहां पे दोस्तों इसकी प्राइस लगभग 26,000 बताई जा रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में इसकी जो प्राइस है काफी कम होगी और Redmi Note 5 Pro को ये काफी कड़ी टक्कर देने वाला है। मुझे लग रहा है कि अगर इसकी प्राइसिंग 16,000 to 17,000 के करीब अगर रहती है तो ये MI A2 को भी काफ़ी कड़ी टक्कर देगा क्योंकि इसका डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी प्रीमियम है, आपको ग्लास बैक बॉडी देखने को मिलती है, लगभग 6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, डिस्प्ले में नॉच देखने को मिल जाता है और 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है, 3300mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर प्राइसिंग सही रहती है तो ये फ़ोन भी काफ़ी धमाल मचाएगा मिड रेंज के सेक्शन में। दोस्तों अगला जो फोन हमारे लिस्ट में है दोस्तों वो है Realme 1। दोस्तों ओप्पो और अमेजन ने पार्टनरशिप करके ओप्पो का एक नया सब ब्रांड लॉन्च करने वाली है जो कि Realme हो सकता है और इसका एक फ़ोन जो है 15 मई को लॉन्च होने वाला है Realme 1 के नाम से जो कि आपको अमेजन पे एक्सक्लूसिवली मिलेगा।
इस फ़ोन की ज़्यादा डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिज़ाइन जो है दोस्तों, बैक डिज़ाइन जो दिख रही है वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और ये डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी सिमिलर है ओप्पो के रिसेंटली लॉन्च हुए फ़ोन ओप्पो A3 के साथ। तो ऐसे में हो सकता है कि ओप्पो A3 को ही इंडिया में रियलमी 1 के नाम से लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फ़ोन हमारे लिस्ट में है दोस्तों, वो है मोटो G6 सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, मोटो G6 सीरीज़ ब्राज़ील में कुछ दिन पहले लॉन्च हो चुका है, पिछले महीने की 19 तारीख को। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इसी महीने इंडिया में भी आने वाले हैं। और दोस्तों इस फ़ोन की डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, इसकी प्राइस क्या होगी, इसके क्या फीचर्स हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका लेना नहीं चाहूँगा। तो ये मोटो G6 सीरीज़ में दोस्तों मोटो G6, G6 प्ले और G6 प्लस शामिल हैं। तो ये तीनों फ़ोन जो है दोस्तों इसी महीने लॉन्च होने के चांसेस हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में अगला जो फ़ोन है जो इस महीने लॉन्च हो सकता है, वो है सैमसंग गैलेक्सी A6 2018 और A6 प्लस 2018। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A6 2018, A6 प्लस 2018 को सैमसंग की ऑफिशियल साइट में, इंडोनेशिया का जो साइट है वहाँ पे देखा गया है और बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इसी महीने लॉन्च होने वाली है। दोस्तों ये फ़ोन पहले चाइना में लॉन्च होगा बताया जा रहा है ऐसा। गैलेक्सी A6 2018 में आपको 5.6 इंच का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा, एक्जीनो 7870 का चिपसेट मिलेगा, 3GB 4GB की रैम, 32GB और 64GB की इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा यहाँ पे आपको, सिंगल रियर कैमरा मिलेगा, 3000mAh की बैटरी मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें A6 प्लस 2018 की, तो इसमें आपको 6 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट मिलेगा, 4GB तक की रैम इसमें भी मिल सकती है, एक वेरिएंट 3GB का भी इसमें होगा, 32GB की स्टोरेज मिलेगी, 64GB की स्टोरेज मिलेगी, ट्रिपल कार्ड स्लॉट इसमें भी देखने को मिलेगा, डुअल कैमरा का सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रियर में 16+5MP का और 24MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 3500mAh की बैटरी मिलेगी। प्राइसिंग लीक्स जो निकल के आई है दोस्तों, वो 25 से 30 हज़ार के बीच में बताई जा रही है। यहाँ पे दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ है कि ये फोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है इस मंथ या नहीं हो रहा है। दोस्तों अगला जो फ़ोन हमारे लिस्ट में है वो है Honor 10। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये ऐसा फ़ोन होने वाला है जो OnePlus 6 का किलर होने वाला है। इस फोन में दोस्तों आपको डिस्प्ले में नॉच देखने को मिलेगा, ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 15 मई को लंदन में लॉन्च होने वाला है ग्लोबली। और इसमें आपको 5.84 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, स्क्रीन 970 का चिपसेट मिलेगा, डुअल रियर कैमरा मिलेगा, 3400mAh की बैटरी और भी बहुत कुछ इस फोन में आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने इस फोन की डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है दोस्तों, तो आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस फोन की स्टार्टिंग जो प्राइस है दोस्तों 27,000 के करीब हो सकती है। और इसमें आपको 6GB रैम, 64GB की स्टोरेज और 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये फोन जो है OnePlus 6 के प्राइस से काफ़ी कम होने वाला है और OnePlus 6 को काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाला है। तो दोस्तों यही कुछ स्मार्टफोन है जो इस महीने लॉन्च होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं दोस्तों यहाँ पे MI A2 और Honor 10 का काफ़ी वेट कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन फोन्स में से कौन से फ़ोन का इंतजार है और आप कौन से फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं और आप इंडिया में कौन से फ़ोन को लेना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए